PES ऐप और तकनीकी सहयोग। पूरे देश के पंचायती राज संस्थानों में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय ने ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, ताकि ई गवर्नेंस पहल के प्रभावी निस्तारण के लिए पंचायती राज संस्थानों की क्षमता का निर्माण किया जा सके। जम्मू और कश्मीर में भी आज इस परियोजना के तहत 11 मुख्य एप्लीकेशन से सजे पंचायत एंटरप्राइज सूट को परिचालित किया जा रहा है। पंचायत एंटरप्राइज सूट में ग्राम मानचित्र, ऑनलाइन ऑडिट व प्रशिक्षण प्रबंधन जैसे कुल 11 मॉड्यूल शामिल हैं। आइए हम इन सभी मॉड्यूल के बारे में विस्तार से समझें। स्थानीय सरकार निर्देशिका। इस मॉड्यूल का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के विभागों को नव गठित पंचायतों, स्थानीय निकायों, पंचायतों का पुनर्गठन जैसी जानकारियों को निर्देशिका में अपडेट करने में सुविधा प्रदान करना है, ताकि सारी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध रहे। इस मॉड्यूल के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय सरकारी निकाय के लिए एक यूनिक कोड बनाया जाता है। स्थानीय सरकारी निकायों और संबंधित भूमि क्षेत्र संस्थाओं का मिलान और रखरखाव भी किया जाता है, जैसे गांवों के साथ ग्राम पंचायत का मिलान और रखरखाव। इसके अलावा हर संशोधन के सरकारी आदेश को निर्देशिका में अनिवार्यता अपलोड किया जाता है। क्षेत्र प्रोफाइलर। एरिया प्रोफाइलर के माध्यम से स्थानीय सरकारी निकाय अपनी सामाजिक आर्थिक जानकारी, जनसांख्यिकी जानकारी, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को प्रबंधित कर सकते हैं। इसके द्वारा स्थानीय स्तर पर काम कर रहे निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। इतना ही नहीं, इसके रिकॉर्ड चुनाव प्रक्रिया में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक केंद्रीकृत डेटाबेस के तौर पर काम करता है, जिसकी जानकारी अन्य EPRI एप्लीकेशन के पास उपलब्ध होती है। प्लान प्लस। पंचायती राज मंत्रालय के प्लान प्लस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया को आसान और सुदृढ़ बनाना है। ये मॉड्यूल आवश्यकताओं की पहचान से लेकर जिला योजना समिति द्वारा हरी झंडी मिलने तक की पूरी प्रक्रिया के कार्य प्रवाह को दर्शाता है। PRIA Soft मॉड्यूल सरकारी खातों के रखरखाव में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बना रहा है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के सभी इनफ्लोस और आउटफ्लोस पर उचित निगरानी रखना है। इसका उपयोग पंचायती राज के सभी 3 स्तरों, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सकता है। एक्शन सॉफ्ट। एक्शन सॉफ्ट मॉड्यूल का उद्देश्य विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों, ग्रामीण स्थानीय निकायों और लाइन विभागों में अनुमोदित योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति पर नजर रखना है। ये मॉड्यूल अलग अलग सरकारों द्वारा विभिन्न केंद्र और राज्य योजनाओं के तहत किए गए कार्यों की स्थिति और खर्च की निगरानी भी करेगा। कुल मिलाकर इसके माध्यम से हर कार्य की वित्तीय और भौतिक प्रगति का उचित रिकॉर्ड रखा जा सकता है। राष्ट्रीय परिसंपत्ति
निर्देशिका। राष्ट्रीय परिसंपत्ति निर्देशिका में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों, ग्रामीण स्थानीय निकायों और लाइन विभागों द्वारा निर्मित, नियंत्रित, प्रतिबंधित हर परिसंपत्ति का लेखा जोखा रखा जाता है। प्रत्येक परिसंपत्ति को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए एक कोड सौंपा जाता है, जिससे परिसंपत्तियों का प्रभावी उपयोग किया जा सके। इस मॉड्यूल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं से धन के अभिसरण के लिए उचित योजना बनाई जा सकती है। सर्विस प्लस एक बहुत ही सरल एप्लीकेशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को ई सुविधा प्रदान करना है। इस मॉड्यूल में कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट के माध्यम से आम नागरिक को उसी के इलाके में सभी सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसका लक्ष्य आम नागरिक की बुनियादी जरूरतों को पारदर्शिता के साथ सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना है। ग्राम मानचित्र एक स्थानीय योजना एप्लीकेशन है, जो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्राम पंचायत के लोगों को योजना बनाने में मदद करती है। इसके माध्यम से विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के क्रियान्वयन की प्रगति की वास्तविक समय पर निगरानी की जा सकती है। प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल सरकारी संगठनों के प्रशिक्षण प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह पोर्टल निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों की प्रशिक्षण मांगों को पूरा करने में मददगार साबित होगा। पोर्टल प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों दोनों के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म का काम करता है, जिस पर पंजीकरण, अलर्ट, नामांकन, दैनिक उपस्थिति, प्रमाण पत्र, निर्माण, प्रतिक्रिया आदि दर्ज होती है। राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल प्रत्येक पंचायत के लिए एक अनोखी वेब उपस्थिति प्रदान करता है। इसके माध्यम से जानकारी को उचित प्रकार से संगठित किया जाता है, ताकि ये आम नागरिकों को सरल और आसान तरीके से उपलब्ध हो। ऑडिट ऑनलाइन के माध्यम से ऑडिटर पंचायत के सभी 3 स्तरों यानी जिला, ब्लॉक व ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों और लाइन विभागों के वित्तीय लेखे जोखे की जांच कर सकते हैं। ये मॉड्यूल न केवल खातों के ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑडिट की सुविधा देता है, बल्कि ऑडिट में शामिल ऑडिटर और ऑडिट टीम के संबंधित सूची के साथ संस्था के पिछले ऑडिट रिकॉर्ड को भी रखता है। आप देख सकते हैं कि पंचायत एंटरप्राइज सूट के जरिए किस तरह पंचायतों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाया जा रहा है।